जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। टुनाइट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड अजीम गुमन, समवन हु हैज लेड पाकिस्तान अंडर 19 टू अ वर्ल्ड कप फाइनल इन 2010 एंड इज करेंटली प्लेइंग द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी इन पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फॉर गनी ग्लास। अजीम भाई, पहले बताएं आप कैसे हैं, कैसी तबीयत आपकी, और थोड़ा सा अपना बताएं कि आपका करियर का स्टार्ट किस तरह हुआ और अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में। जी अस्सलाम वालेकुम आरम भाई, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, 2007 से प्रोफेशनली खेल तो खैर पहले से रहे थे, बट 2007 से ऑनवर्ड्स अभी तक अलग करम है, एक अच्छी फिटनेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और फिर जब इतना 17-18 ईयर्स का आपका करियर हो तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं, पर अच्छा टाइम भी देखा जिसमें कैप्टनसी की पाकिस्तान 19 की, पाकिस्तान अंडर 23 की, पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। और मेरे ख्याल है कि कैरियर जिस तरह आपने पूछा है, स्टार्ट उसी तरह हुआ जिस तरह के किसी भी लाइक एनी अदर चाइल्ड के, स्ट्रीट्स पे खेल खेल के, जो हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ है। सो या सेम। नहीं बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान में तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून रहा भी है और अभी PSL की वजह से भी काफ़ी बढ़ गया। अजीम भाई, सब अभी रिसेंटली हमें पता लगा है कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी कंप्लीट किया है 2022 में, तो वो ज़रा बताएं कि क्या वो कैसा एक्सपीरियंस था। और क्योंकि जाहिर है, मतलब लोग सोचते हैं कि क्रिकेटर्स के एजुकेशन बड़ी मैटर करती है, तो इस बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे आप? यार इसमें थोड़ा सा ऐसा था कि जब मैं क्रिकेट के लिए, मैं थोड़ा सा इसमें पीछे चले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रिकेट के ट्रायल्स दिए तो मेरा एक दोस्त था बचपन का और आज तक बहुत अच्छा दोस्त है, ऑन ही इज नॉट हेयर, ही इज इन USA। तो उसने मुझे ऐसे ही बोला, मैं स्कूल में थे एंड वी वर डूइंग आवर 9th एंड मैट्रिक दैट टाइम, उसने कहा कि यार ऐसी ट्रायल्स हैं तो क्या कहते हैं उसमें, चलना है या नहीं। मैंने बोला अच्छा भाई चलो चल के देख लेते हैं। तो एज यूजुअल लाइक एनी अदर स्टूडेंट वी बंक द स्कूल एंड वी वेंट फॉर द ट्रायल्स और सिलेक्शन हो गई। जब सिलेक्शन हो गई तो अगले 3 हफ्ते तक आई रिमेम्बर मैं तो न्यूज़पेपर उन दिनों में घर में आते थे तो छुपाता था, क्योंकि पूरे एक घर का एक एटमोसफेयर ऐसा था कि सब पढ़े लिखे थे, हर चीज़ थी। तो अंडर 19 पाकिस्तान जब तक मैं खेला मेरे में बहुत प्रेशर था कि जी आपने पढ़ना ही, पढ़ाई साथ करनी है तो ही हर चीज़ होगा। फिर ऑफकोर्स मैंने अपना ACCA वगैरह मैं कर रहा था बट वो मिड वे में मैंने छोड़ दिया हुआ था। बट एट द टाइम आपको पता है ACCA की पढ़ाई ऐसी होती है कि पीछे से मैंने बिल्कुल समवन गाइडेड मी के जस्ट डू द बैचलर नॉर्मल विद BCom एंड ऑल दैट एंड आई डिड दैट। तो एक चीज जरूर मेरे माइंड में जरूर थी कि यार मैंने कभी ना कभी मौका मिलेगा तो आई नीड टू एटलीस्ट डू माई मास्टर्स फ्रॉम समवेयर। बिल्कुल और टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग, इसमें एक कैरियर के हिसाब से भी मेरा एक गोल था और उसका मुझे वाकई फायदा भी बहुत हुआ है मास्टर्स का। अभी तक मतलब एक 1.5 साल ही हुआ है उसको किए हुए और उसका मुझे खास तौर पे इंग्लैंड में बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड जी में जी खेलने वैसे भी जाता हूँ तो दूसरी चीजों पे भी मुझे उसका फायदा हुआ। जैसे केविन पीटरसन अकेडमी है तो उसका उन्होंने बोला कि इस टाइम तक आप अगर एज अ डायरेक्टर क्रिकेट आप इसमें रहे। सो ऑफकोर्स एजुकेशन का एक और एक और चीज बताऊं, मैं शुरू से ही, ये नहीं कि मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूँ, मैं आई वॉज नेवर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बट आई वॉज वेरी गुड, मतलब एक बार पढ़ लेता था तो काफी हद तक मुझे समझ आ जाता था। और एक बिल्कुल वो भी था, एक अभी मतलब जो मैंने मास्टर्स किया इसमें मेरे पे जी प्रेशर जी नहीं था, बैचलर्स तक जरूर मेरे पे प्रेशर था फैमिली का। अभी ये जो चीज मैंने की थी क्योंकि इंग्लैंड रेगुलर जा रहा था और फिर बीच में कोविड टाइम था, आपको पता है कई क्लासेस बिल्कुल ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका था बिल्कुल एक सिस्टम, तो वो एक अच्छा मौका था, अच्छी चीज समझ आई, कर लिया और अल्लाह ने करा जी दिया, शुक्र अल्लाह का। नहीं, आई थिंक इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। जैसे आपने कहा कि क्रिकेट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अजीम भाई, एक चीज़ बताएं कि आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ज़ाहिर है खेले हैं काफ़ी, आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। कुछ अरसे से काफ़ी डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पहले तब्दील हुआ, फिर नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने दोबारा तब्दील कर दिया। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है? क्या एसोसिएशंस वाला स्ट्रक्चर बेहतर है जिसमें कम टीम्स होती हैं हायर लेवल पे और क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर ज़्यादा टीम्स जिस तरह आजकल प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी चल रही है, ज़्यादा टीम्स ओन डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिस तरह वापस आई हुई है, और इसको आप बेहतर समझते हैं या एसोसिएशंस वाले स्ट्रक्चर को बेहतर समझते हैं? देखिए जी, हर हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो आपको पता है होते ही हैं और मैं आई एम नॉट द वन हु हुज़ गोना मेक द डिसीजन। हाँ आपने मुझसे राय जरूर पूछी, मैं राय जरूर दूंगा,
देखिए जी, पहले तो एक वही स्ट्रक्चर होता था कि रीजन से भी आप खेलें, आप डिपार्टमेंट से भी खेलें। प्लेयर्स को टेक्निकली फायदा भी था उसमें, क्योंकि दे कैन अर्न फ्रॉम बोथ साइड। और आजकल जिस तरह की क्रिकेट है, एक अर्निंग अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सेइंग दैट, जब कॉम्पिटिटिवनेस की अगर मैं बात करूं, तो जो 6 सूबों की टीमों का एक सिस्टम था, वो कंप्लीट करना वाकई बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर वगैरह ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में आए, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में गए, और वो एक टफ चीज थी। मुझे लगता है कि वो सिस्टम अच्छा था। हाँ, जैसे आपने बात की कि उसमें अपकमिंग चीजें नहीं दिख रही थी, जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो तो आ रहे थे, या कुछ फ्रॉम द बैक डोर्स ऑफ द PSL वो तो आ रहे थे, बट नए प्लेयर्स उस तरह से नहीं आ पा रहे थे। ये जो है, जो रीजन क्रिकेट और डिपार्टमेंट्स होते हैं खासतौर पर, एक तो फाइनेंशियली आपको इसमें बहुत हेल्प है, ऑफकोर्स, विच इज अ नीड, विच इज अ मस्ट नाउ डेज, राइट? तो ये भी है, और साथ साथ इसमें ये जरूर आप कह सकते हैं कि आप देखें ना, 360 प्लेयर्स रीजन से खेल रहे हैं, फिर जी जी कुछ डिपार्टमेंट के भी प्लेयर्स होते हैं, 450 के लगभग, आई अज्यूम सो, कि इतने प्लेयर्स जी खेल रहे हैं, और उसमें 190 खेल रहे थे। तो 190 में ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन बहुत टाइट था, और 450 में थोड़ा सा ढीला हो जाता है, बट इसमें भी आपको टैलेंट ज्यादा मिलता है। जी आपकी मैं बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जी भाई, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा पूरी दुनिया की जो टीम्स हैं उनसे हमेशा एक दर्जे ना ऊपर आए, और ऑस्ट्रेलिया का ही स्ट्रक्चर जो हमारे उस वक्त के PM और पेट्रियन इन चीफ थे PCB के मिस्टर इमरान खान, उन्होंने इसी का कहा था कि उसको देखते हुए हम इस स्ट्रक्चर को लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो शायद लॉजिक होगी, क्योंकि क्वालिटी को प्रेफरेंस देंगे तो फिर ही पाकिस्तान में शायद टीम में बेहतरी और वो जो एक कंसिस्टेंसी हम चाह रहे होते हैं वो आएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल जी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात की आपने। हम आज भी, हम सारे प्लेयर्स जो इंग्लैंड या अमेरिका इधर उधर जाते हैं, वो अगस्त तक वेट कर रहे होते हैं, भाई अगला डोमेस्टिक सीजन क्या आएगा। यहाँ तक कि आप इंग्लैंड का अगर आप देख लें, या ऑस्ट्रेलिया का आप देख लें, उनके अगले 2 साल के स्ट्रक्चर अभी से आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो वी आर बिल्कुल नॉट श्योर, एज अ प्लेयर भी एक कंफ्यूजन है कि अगर मैंने तैयारी करनी है तो किस इवेंट की अपकमिंग के लिए करनी है। यू नो व्हाट आई मीन, सही फोर डे की जी जी पहले करूँ, T20 की पहले करूँ, वनडे की पहले करूँ? तो ऑफ कोर्स वो तो एक चीज है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वक्त के साथ साथ आगे ये चीज काफी हद तक बेहतर की जाएगी, और नहीं तो इस पे तवज्जो जरूर देनी चाहिए। इसमें आने बिल्कुल वाले प्लेयर्स का बहुत फायदा है। सही। अच्छा अजीम भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि अब आपने जाहिर है अंडर-19 क्रिकेट खेली भी है और आपका एमएच आजाद के साथ भी इंटरेक्शन रहा है, आपका इमाद वसीम के साथ भी इंटरेक्शन रहा है। एमएच आजाद का हमने देखा था कि ऑब्वियसली उनका एक काफ़ी पीक आई करियर की, और उसके बाद उनका मतलब उस तरीके से कंटिन्यू या कंसिस्टेंट उनका करियर नहीं रह सका जिस तरह से शायद वो चाहते हैं या शायद हम उनके फैंस भी चाहते। तो उन्होंने फिर उसके बाद अपना कमबैक की जर्नी स्टार्ट की, बट उसके बाद उन्होंने इस दफ़ा PSL से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मतलब क्या उन्हें वेट करना चाहिए था, PSL के खेलना चाहिए था, कि उन्होंने ये स्टेट किया कि शायद उनके अगेंस्ट कोई लॉबिंग की जा रही है और PSL टीम्स डिलिबरेटली पिक नहीं कर रही, तो क्या आपको लगता है वो सही डिसीजन था देखें, बीइंग योर बीइंग एन एक्स ये प्लेयर? तो उनका उनका पर्सनल डिसीजन है, बिल्कुल बट ये आपके सवाल से मैं एक बहुत ही, मेरे हिसाब से, अच्छा मैसेज देना चाहूंगा जितने भी जी जी जूनियर्स हैं, और इसमें सब इंक्लूड होते हैं, इवन मैं भी, जो मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल से लर्न किया है। और हर इंसान अगर कोई पीछे होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उसकी खुद की भी कोई ना कोई जरूर गलती होती है, इंक्लूडिंग मी, कोई भी, और आगे भी बिल्कुल होता सही है तो कोई ना कोई वजह होती है। बात टैलेंट की जहां तक आपने बात की, अहमद मार्शल अंडर-19 खेला, जितना टैलेंट पाकिस्तान में मैं समझता हूँ उमर अकमल और अहमद शहजाद के पास था, किसी के पास भी नहीं था। ये मेरी मेरी इमरान अपनी हसन राय में, आई कुड बी रॉन्ग, बट जी मैंने एक चीज देखी है जिसमें बहुत मिसालें हैं। शान मसूद है, बाबर आजम भी मेरे अंडर खेला है, और बड़ी मिसालें। आप अपना फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में रखते हैं, और आप उसके साथ 100% ऑन द ट्रैक, वो कहते हैं ना जी, एक ट्रेन ने अगर लाहौर से कराची जाना है, तो वो उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक तरीके कार बना हुआ है। बिल्कुल आप बिल्कुल राइट लेफ्ट हो जाएंगे तो आप एग्जैक्ट कराची नहीं पहुंच सकते। तो इट्स सेम लाइक दैट, अगर सही फोकस आपका वही रहता है, तो हमारे सामने मिसालें, हमने शान मसूद को अर्ली डेज में भी देखा, और हम आज शान मसूद, मैं तो अपने लिए एक एग्जाम्पल समझता हूँ उसको, जिस तरह का वो है। तो ये तो खैर अहमद का एक पर्सनल डिसीजन है, उसको लगता है PSL में सिलेक्ट होना ना होना। आई पर्सनली थिंक, इफ यू आर आस्किंग मी, ओके, अहमद या दूसरे जो भी सिलेक्ट नहीं होते, इट्स नॉट जस्ट द क्रिकेट, इट्स समथिंग एल्स ऑल्सो।
नहीं, आई थिंक यू हैव मेड वैलिड पॉइंट्स। अच्छा जी भाई, अब जाहिर है आजकल तो PSL चल रहा है पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा बताइए कि आपका अभी तक आपको सबसे फेवरेट कोई प्रोमिनेंट यंग क्रिकेटर कौन लगा है, और आपकी फेवरेट PSL फ्रेंचाइज कौन सी है और क्यों है? देखें, इसमें अब PSL 9th सीजन हो रहा है। जी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ बॉलर्स आपको दिखते हैं PSL में, बॉलर्स आपको अपकमिंग दिखते हैं, आते हुए दिखते हैं हर चीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बैट्समैन एज सच 9 साल हो गए PSL आते हुए, मुझे एज सच कोई बैट्समैन आते हुए नहीं दिख रहे। उसके पीछे मैं समझता हूँ एक और वजह जो है, जो बहुत बड़ी वजह है, वो ये भी है कि आजकल हर कोई शॉर्टर फॉर्मेट खेलना चाहता है, लीग्स खेलना चाहता है, फोर डे क्रिकेट पे तवज्जो नहीं। जबकि मैं समझता हूँ, बड़ी मिसाल है, अभी इस साल आप PSL में देख रहे हैं मोहम्मद अली डेजी, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान से, उसके पीछे वजह है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पूरी खेलता है। हैदर बिल्कुल अली पे आज सवाल हो रहे हैं कि जी वो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। वो चीज देखें, हैदर भी जब सिलेक्ट हुआ था PSL में, उसने 5 साल पहले, जब पहला साल था नॉर्दर्न क्रिकेट और ये बलूचिस्तान क्रिकेट और सारा, तो नॉर्दर्न से उसने हाईएस्ट रन स्कोरर था, टॉप 2 बैट्समैनों में था। वो फोर डे क्रिकेट को सीरियस ले रहा था, इसलिए वो PSL में आया, वो PSL में भी हिट हुआ। तो इसमें इसमें शॉर्टकट्स नहीं है इस खेल में ना, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी शॉर्टकट। और मुझे ऐसा लगता है, जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, आप इंडिया के उठा के देख ले, अभी वर्ल्ड कप का T20 क्रिकेट हुई, फाइनल हुआ, 22 प्लेयर जी खेल रहे थे, 11 ऑस्ट्रेलिया से, 11 इंडिया से, 21 जी प्लेयर ऐसे जो उनके टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। अब हमारे इसमें कितने फर्क है, टेस्ट प्लेयर सिर्फ टेस्ट तक महदूद है, T20 के अलग ही स्पॉट है, वाइड बॉल वाले बिल्कुल ही अलग कर दिए, वो अलग कर दिए। तो इस चीज पे प्लेयरों का बहुत ज्यादा अमल दखल है, उनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए पे तवज्जो देनी चाहिए। हाँ ठीक है, मान रहे हैं कि लीग क्रिकेट में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा फर्क है डोमेस्टिक में, और जो कि मुझे लगता है कि एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं इसको गैप कम होगा और होना चाहिए फॉर द फ्यूचर क्रिकेटर, क्योंकि पिछले 6 7 सालों में हम जैसे जितने भी क्रिकेटर हैं, उन्होंने, हम भी, हर इंसान सोचता है, हम भी सोचते हैं कि यार 4 दिन 5 दिन मैच खेल रहे हैं, क्या मिल रहा है, और वहाँ 6 दिन लीग खेल के आते हैं, वो भी बाहर भी बैठो तो हमसे 70 गुना ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, हर चीज़, इज्जत भी ज्यादा, फेम भी ज्यादा। तो आई थिंक सो ये गैप खत्म होगा फाइनेंशियल वाइज, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा आपने पूछा PSL की फ्रेंचाइजीज, तो अच्छी चीज एज अ PSL लीग, एज अ PSL ब्रांड, जो कि आपको दिखता है कि हर साल फ्रेंचाइज अलग अलग उसमें दिखती है। बिल्कुल सेइंग दैट, आप देख लें शुरू के 5 6 साल लाहौर कलंदर्स वाज नोवेयर, हर कोई उसको साइड करता था, बट जब सही एक बात नई थ्योरी के साथ आए, शाहीन एज द कैप्टन जी आया, लाहौर कलंदर्स टॉप अगेन, कराची किंग्स वॉज नोवेयर, फिर एक साल जीती, फिर अगेन नोवेयर, फिर बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी के साथ आई है, बिल्कुल नई रिबिल्डिंग करके टीम सामने आई है। सो आई थिंक सो ये तो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और एक इसमें ऐसा नहीं है कि कौन अच्छा कौन बुरा, और स्पेशली T20 क्रिकेट, वैसे भी इस तरह की क्रिकेट, इट्स अ मोमेंटम गेम, और जो उस दिन ज्यादा अच्छा खेले वो जीत सकता है। जी आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल आपने सही कहा कि टेस्ट क्रिकेट क्योंकि लंबी गेम होती है और उसमें ऑब्वियसली जो नाम है द टेस्ट क्रिकेट, तो उसमें ऑब्वियसली प्लेयर टेस्ट होता है, तो और उसकी फिर ऑब्वियसली जो उसका टैलेंट होता है या मेहनत होती है वो सामने आती है, और फिर वो शॉर्टर फॉर्मेट में हेल्प करती है। आई थिंक डेविड वार्नर शायद एक बड़ी रेयर इनोमली है, जिससे आप कहते हैं मतलब कि वो T20 से टेस्ट क्रिकेट की तरफ गए और फिर सक्सेसफुल भी रहे। अजीम भाई, आपकी इस बात को कंटिन्यू करते हुए मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि अक्सर हमने देखा है कि PSL की परफॉर्मेंस पे ही प्लेयर सिलेक्ट हो जाता है, और हमारी जिसे आप कह लें ना रिसेंसी बायस पाकिस्तान की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में काफ़ी कॉमन रही है और अभी भी है, तो और उसके साथ साथ फिर फॉर्मेट मिक्सिंग भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा PSL से प्लेयर T20 में जाता है, T20 में अच्छा करता है तो शायद वो ODI टेस्ट में भी आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि PSL ही मतलब एक इटसेल्फ अकेला क्राइटेरिया काफी है, और मतलब मैं सिर्फ एक PSL सीजन की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि अगर फॉर एग्जांपल कोई PSL में टॉप कर भी लेता है कोई इमर्जिंग प्लेयर, तो उसको शायद एक दो और सीजन वेट करना चाहिए टीम में सिलेक्ट होने के लिए, ताकि वो अपना एक मेटल या अपनी टैलेंट थोड़े लंबे अरसे के लिए प्रूव करे फिर पाकिस्तान जाए? अरे भाई, आपके सवाल में ही बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें जवाब भी हैं, अगर मैं इस पे डिटेल में जाऊं। देखिए, आपने जी PSL की बात की, आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होना चाहिए, जो कि हो रहा है,
ये मेरी सोच है। हाँ, अगर कोई प्लेयर पीएसएल खेल रहा है एट द सेम टाइम वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है रीजन से भी डिपार्टमेंट से, देन आई टोटली एग्री, उसको जाना चाहिए, दैट्स इज राइट। क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपकी कंट्री का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है जी, ये तो सही बात बात, समझ आ। फिर देखिए बिल्कुल एक और भी चीज होती है, आप देखते होंगे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई ऐसे लड़के, उन्होंने 100 भी किए, 200 भी किए, एक दिन भी हाईलाइट नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल डे। पीएसएल बिल्कुल में दो नो लुक शॉट मार दो, एक 50 कर दो, सही 6 दिन तक हाईलाइट होता रहता है, ठीक है जी। बात। अच्छा, उसमें हाईलाइट करने वालों का या जो हो रहे उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया ग्लैमर हर चीज उसमें इतना ज्यादा है, हर किसी का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, पीएसएल के मैचेस देखने आते हैं। अब आप देख सही लेना, बात, आपके सामने एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अगर मैच होते पाकिस्तान में तो आवाम इतनी नहीं होती जितनी पीएसएल के मैचों में होती, सही कह रहे हैं। तो इस चीज को करना चाहिए। हाँ, आई टोटली एग्री कि पीएसएल के परफॉर्मर को हाईलाइट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने डोमेस्टिक काइज़न ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वनडे क्रिकेट में परफॉर्म किया, आप उनको साइड ना करें। हाँ, पीएसएल के उस परफॉर्मर को आप जरूर ऊपर लेके जाए जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है। सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस में ऊपर लेके जाएंगे वो आपके लिए लंबी रेस का घोड़ा कभी नहीं बनेगा। आप मुझे सही बताएं ना, बात, इंडिया की टीम में भी आपके जितने T20 स्पेशलिस्ट हैं वो सारे आज भी आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे होंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो बिल्कुल सही बात। ये चीज हम क्यों नहीं कर इसलिए सकते? देखिए, आई थिंक आपने आपकी इम्प्रूवमेंट जी के लिए जो आगे इम्प्रूव हुई हुई टीम है या जो प्रूव कर रही है पॉइंट, उनको देखना पड़ता है और उनको थोड़ा बहुत उनसे लर्न करना होता है। आई थिंक बड़ी सही बात की है आपने कि मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सम अप करना चाहूंगा, हमें आई थिंक बड़ी नीड है हमारी, इवन दो कि ह्यूमन साइकी ये है कि वो प्रेफर करते हैं T20 क्रिकेट को, क्योंकि ऑब्वियसली कम टाइम होता है और सिक्सेस लगते हैं, और ऑब्वियसली वो कुछ लोगों को पसंद आती है चीज़। बट आई थिंक बोर्ड्स को चाहिए, और मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि हमें टेस्ट क्रिकेट को शायद फर्दर कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है, और शायद जो गैप क्रिएट हो चुका है उसको कम करेंगे तो ही टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि सबको जो जितने भी जो लोग असल क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको ये बात पता है कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। तो अगर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, तब ही मुझे लगता है कि हमारे जो सिस्टम में बेहतरी आएगी, और शायद प्लेयर्स अपनी जो टैलेंट है उसको कन्वर्ट करने में उन्हें आसानी भी होगी जब वो T20 खेलेंगे। तो आई थिंक अब जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिस्टिकली आपने बोला कि थोड़े लोग T20 को पसंद करते हैं, सच्ची बात यह है कि ज्यादातर लोग T20 को पसंद करते हैं, थोड़े बिल्कुल लोग भी, वो आई थिंक वो थोड़े जो लोग हैं जो टेस्ट क्रिकेट या उसको पसंद कर रहे हैं। देखिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, अच्छी चीज है। सेम लाइक सोशल मीडिया, आजकल लोग सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं, इस तरह के इंटरव्यू ज्यादा देखते हैं रादर देन टीवी, यू नो बिल्कुल थिंग्स हैव चेंज एंड वी शुड बिल्कुल एग्री टू द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। तो इसी तरह से T20 है, इनोवेटिव क्रिकेट है, छुट्टी का टाइम मिलता है 2.5-3 घंटे में आप देख सकते हैं टेस्ट मैच के लिए। जो वर्किंग आदमी है, जो सिर्फ एक फैन है, वो 5 दिन कैसे निकाले जी और कैसे देखे, ये बात तो चले समझ आती है। बट आपने बात की जी क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैं पिछले सवाल पे भी आपको ये जवाब दे चुका हूँ कि जी डोमेस्टिक की क्रिकेट पे तवज्जा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई भी होशियार प्लेयर होगा वो खुद ही तवज्जा देगा। सही बात हम देखें एक चीज, आप देखें बड़ा फर्क है, हम दूसरों नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, बट एक जी जी अच्छी कोई मिसालें दे देते हैं, जैसे इफ्तिखार है या जैसे जी मोहम्मद रिजवान है। आप जी बिलीव करें, इन लोगों की टॉप जाने में वजह एक और भी है कि ये अगर इंटरनेशनल क्रिकेट या किसी भी लीग क्रिकेट को खेल के फॉरन पाकिस्तान आते, नेक्स्ट डे भी अवेलेबल होते हैं, नेक्स्ट डे ग्राउंड में होते, डोमेस्टिक का मैच खेल रहे होते, सही बात, ठीक तो कह इस रहे हैं आप तरह भी हैं प्लेयर्स, तो इस तरह के बने हैं दूसरे भी। जी। आई थिंक आपने काफी अच्छे पॉइंट स्टेट किए हैं, थैंक यू सो मच अजीम भाई, आपने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे शो के लिए टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी हमारे शो पे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड लव्ड इट, और इंशाल्लाह जब आप बुलाएंगे जरूर आएंगे। जी।